भाभी मैं सोच रहा था इस बार हम सब लोग मिलकर राजगीर चलते। तुम घर का इतना काम करती हो, करते करते उब गई होगी। नहीं चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या करूँ। देखो ये घर गृहस्थी का काम, एक करो दस निकल आते हैं, और फिर अब तो गेहूँ के बोने का समय भी आ गया है, तुम्हें तो पता ही है। और तुम्हारे भैया ऐसे समय में तो जाएंगे नहीं कहीं बाहर। तुम भैया को मनाओ ना भाभी, तुम्हारी बात वो कभी नहीं टालेंगे। इस बार की बुआई मैं देख लेता हूँ। तुम देख लेते हो, भैया तुम्हारे तुमको कभी काम करने देते हैं क्या? वो तो तुम्हें बच्चा समझते हैं, कहते हैं उसके खेलने खाने के दिन है। मैं जिंदगी भर खेलता खाता ही रहूंगा क्या? मुझे भी तो घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। चाचा सर कर लिया। क्या क्या हो गया माँ? जो जी में आता है बकता रहता है, मेरा तो कलेजा ही धक से रह गया। मैं तो लूडो की बात कर रहा था। सच भाभी, ये तो लूडो के साहब की बात कर रहा था। फिर तुम्हारे और भैया के रहते मुझे क्या हो सकता है, तुमने बेकार इस पे हाथ छोड़ दिया। क्या हो रहा है भाई, लूडो खेल रहा है? पढ़ाई लिखाई में तो दिल लगता नहीं, जब देखो तब लूडो खेलता रहता है। अरे भैया अभी बच्चा है, सारी मत से पढ़ाई करनी है। तुम बिगाड़ो मत इसे, इसी वजह से बिगड़ गया है, नमरी बात हो गया ये। मैं तो पढ़ता ही हूँ, छह से चाचा, पांच से पापा, नौ से मम्मी, दस से दादी। देखा बोला और चालू होगा ये। बस रहने दे बाबू। माँ जी मैं तो कहती हूँ देवर जी ऐसे ही नाना करते रहेंगे शादी के लिए, अब उनकी शादी कर ही देनी चाहिए। सो तो ठीक है बहू, लेकिन उसकी मर्जी भी तो होनी चाहिए। मुझे तो वो कुछ बताता ही नहीं, तू उससे बात करके देख, तू ही उसे राजी कर सकती है। जी भाभी, भाभी मैं नहीं रहता हूँगा तो पिंकू तो तुम्हें तंग कर करके परेशान कर देता होगा। बड़ी मुश्किल से सुना है, एक दर्जन कहानियां सुनाए तब जाके बरखुदार की आंख लगी, कहो तो तुम्हारे कमरे में। अरे नहीं हा? इसे यहीं लिटा दे, ये तो ऐसे अच्छा। ही काम कर करके थक जाती है, इसे सताएगा। नहीं नहीं माँ जी, ये आपको तंग करेगा और रात में उठकर पानी के लिए शोर करेगा। तो क्या हुआ, मैं पिला दूंगी, और ऐसे भी बुढ़ापे में नींद ही कितनी आती है। हटो भाभी, आज माँ के पाँव मुझे दबाने दो, तुम तो रोज ही दबाती हो, एक दिन मुझे भी तो सेवा का हक मिले। हटो ना। अच्छा जी, आज तो माँ की बड़ी सेवा हो रही है। क्या बात है देवर जी, लगता है माँ से कोई जरूरी काम है, तभी तो इतनी मस्केबाजी हो रही है। अरे मैं तो अभी आपकी सिफारिश ही कर रही थी, अब जल्दी आपकी सीता का जुगाड़ हो जाएगा और आपको धनुष भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, आज तो माँ का पूरा दरबार यही लगा हुआ है। अरे बेटा मेरा दरबार तो तुम ही लोगों से है, जब तुम लोगों को खुश और हंसता हुआ देखती हूँ तो जी जुड़ा जाता है। कितने दिनों के बाद तो सब इकट्ठे हुए हैं। माँ जी ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। अरे मेरा आशीर्वाद क्या, ये तो सब भगवान की कृपा है। हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना। माँ देखते ही देखते प्रकाश की छुट्टी भी बीत जाएगी और वो शहर चला जाएगा, मौसी ने कसम दे रखी थी, लगता है इस बार भी नहीं जा पाएगा मौसी के घर। नहीं नहीं प्रकाश बेटा, तू जाके जरूर मिला, तुझे देख लेगी तो जुड़ा जाएगी।